हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। अभी मैं शिरडी में हूँ, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में आता है। और शिरडी काफ़ी प्रसिद्ध है, आप सबने सुना हुआ है, शिरडी के साईं बाबा। तो आज हम भी आ गए हैं शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। पीछे होटल है जहाँ पर मैंने स्टे लिया है। मैं कल रात यहाँ पर पहुँचा था और सारी जो लग्जरी बस है वो यहीं पर रुकती है। मैं बाय बस आया था तो बस यहाँ पर रुकी थी और यहीं पर सामने होटल है, तो मैंने यहीं पर स्टे ले लिया और मुझे 800 रुपये में यहाँ पर रूम मिल गया, जिसका 24 आवर्स का टाइम होता है। अगर आप शिरडी आते हो और सिर्फ फ्रेश होना चाहते हैं तो यहाँ पर 50 रुपये में फ्रेश हो सकते हैं, डोरमेट्री है यहाँ पर। और अगर आप पर्सनल रूम लेकर फ्रेश होना चाहते हैं तो 200 से 300 रुपये का चार्ज लगता है। और फुल डे के लिए अगर आपको चाहिए तो 800 से 1000 रुपये में रूम मिल जाता है। मैंने यहाँ पर 800 रुपये में रूम बुक किया है। तो ये यहाँ की होटल की डिटेल थी। और मंदिर यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है, तो चलते हैं साईं बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए। मैंने जो आपको होटल बताया उसी के सामने ये सारी लग्जरी बस खड़ी रहती है, पार्किंग है यहाँ पर। अगर आप प्राइवेट बस से आते हो तो आपको यहीं पर बस उतारेगी, ड्रॉप करेगी और फिर यहाँ आपको होटल मिल जाती है। काफ़ी सारे ऑप्शन है होटल के। शिरडी में होटल की अच्छी सुविधा है, आपको यहाँ पर 500 रुपये से लगा के 5000 तक की रेंज में सारी होटल मिलती है। 1000 से 1500 में आपको अच्छा रूम मिल जाता है यहाँ पर। तो ये शिरडी बस स्टैंड है। तो यहाँ पर ये छोटा सा गार्डन बना हुआ है और काफ़ी सुंदर साईं बाबा की प्रतिमा है, देखो आप ऊंची सी। यहाँ पर जो मंदिर की तरफ से ऑफिशियली स्टे की जो सुविधा है उसका यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल। आप देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से डिटेल के साथ। वीआईपी दर्शन के लिए आगे ऑफिस है, वहाँ से हमें वीआईपी दर्शन का पास मिलता है। और भक्ति निवास का जो चार्ज है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है 500 रुपये। तो ये सारी डिटेल है और इस तरफ से हमें आगे बढ़ना है। तो ये लाड़ू प्रसाद का काउंटर है, एक पैकेट का 10 रुपये लगता है यहाँ पर। तो आप यहाँ से लाड़ू प्रसाद लेके फिर अंदर जा सकते हो। वैसे यहाँ पर इस तरह के ये देखो मोबाइल कैमरा लॉकर बने हुए हैं, अगर आपके पास में मोबाइल कैमरा वगैरह है तो आप यहाँ पर लॉकर में रखकर आगे दर्शन के लिए जा सकते हो। अंदर मोबाइल कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो ये सारे यहाँ पर लॉकर बने हुए हैं और 5 रुपये का इसका चार्ज है एक लॉकर का। तो ये लॉकर मैंने आपको बताया, इसके पास में यहाँ पर लाड़ू प्रसाद मिलता है और फिर यहाँ से हमें आगे बढ़ना होता है 6-7 नंबर और 8 नंबर गेट की तरफ। तो 6 नंबर का जो गेट है वो वीआईपी दर्शन का है और 7 और 8 नंबर का गेट नॉर्मल दर्शन के लिए है। ओम साई राम। तो मैं दर्शन के लिए जा रहा था लेकिन ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो इसके अंदर में मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। तो मैं मंदिर का जो ट्रस्ट का ऑफिस है, कमेटी का, वहाँ पर जा रहा हूँ परमिशन के लिए अंदर शूट करने के लिए। ट्राई करते हैं, अगर परमिशन मिल गई तो आपको अच्छे से बताएंगे। तो करीब मैंने 1.5 घंटे तक कोशिश की कि वीडियो की परमिशन मिल जाए शूट करने की, लेकिन नहीं हुआ, परमिशन नहीं मिली। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो नेशनल न्यूज़ चैनल होते हैं उनको परमिशन मिलती है, यूट्यूबर वगैरह किसी को परमिशन नहीं देते हैं। तो इसीलिए परमिशन नहीं मिली मुझे शूट की अंदर। तो अभी मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, जो मैंने आपको गेट नंबर बताया था 6-7 नंबर, वहाँ से मैं दर्शन करने जाऊँगा और दर्शन करके फिर आपसे मिलूँगा। तो मैं साईं बाबा के दर्शन करके आ गया और ज़्यादा समय नहीं लगा, 1 घंटे का समय लगा मुझे दर्शन करने में। और अंदर काफ़ी कुछ है देखने के लिए। अंदर गणेश जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, उसके बाद में एक बावड़ी है पुरानी जहाँ से साईं बाबा ने पानी निकाला था और उस पानी से फिर दिए जलाए थे। और उसके अलावा अंदर उनके गुरु की समाधि है और उनके भक्तों की भी समाधि है। और एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है अंदर साईं बाबा का, जिसमें साईं बाबा जो चीज़ें यूज़ करते थे, जो उनके सामान थे, वो वहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। तो काफ़ी कुछ है अंदर देखने के लिए। कुल मिलाकर मुझे 1.5 घंटे का समय लगा और अभी लगभग 12 बज गए हैं। तो अभी यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ बाहर से बाबा का समाधि मंदिर दिखता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर से दर्शन करवाता हूँ। शिरडी से नासिक पास में है तो यहाँ पर किशमिश काफ़ी मिलती है शिरडी में भी। पीछे वहाँ पर समाधि मंदिर है और ये जो आप लाइन देख रहे हो दर्शन के लिए, ये द्वारका माई में दर्शन की लाइन है और ये द्वारका माई है यहाँ पर।
यहाँ पर भी अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको बाहर से बता रहा हूँ। तो ये द्वारका माई है, जो कि पुरानी मस्जिद थी जहाँ पर बाबा रहते थे, और उसका नाम द्वारका माई रखा गया था इस मस्जिद का। ये द्वारका माई है और इसके ठीक सामने यहाँ पर लाडू प्रसाद की दुकान है और चप्पल जूता का भी स्टैंड है। तो आप यहाँ पर प्रसाद लेके चप्पल जूते निकाल कर दर्शन करने जा सकते हो, आपको मंदिर के वहाँ चप्पल जूते रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये द्वारका माई है जहाँ पर हमने दर्शन किए, और इसके पास में यहाँ पर ये चावड़ी है। चावड़ी वो जगह है जहाँ पर साईं बाबा बैठते थे गाँव वालों के साथ, यहाँ पर बैठक करते थे, सभा होती थी। तो ये चावड़ी है और यहाँ पर भी मोबाइल अलाउ नहीं है। तो चावड़ी में हमने दर्शन किए और अभी हम यहाँ से अंदर चलते हैं। पुराना हनुमान जी का मंदिर है, हालांकि अभी तो नया हो गया है, लेकिन उस समय में बाबा यहाँ पर हनुमान जी मंदिर में पूजा करते थे, तो काफ़ी पुराना मंदिर था ये। तो मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ और ये 4 नंबर का गेट है जहाँ से हम बाहर आए थे मंदिर से, और इसके ठीक सामने यहाँ पर ये सेल्फी जोन बना हुआ है। और पीछे यहाँ पर देखो साईं बाबा की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है, बड़ा सा स्टैचू है। तो ये एक गार्डन है, श्री साई पालकी गार्डन इसका नाम है। वैसे साईं बाबा शिरडी 1858 में आए थे, एक बारात में शामिल होकर आए थे मेहमान बनकर, और उस समय उनकी उम्र 16 साल थी। और बताते हैं कि उसके बाद साईं बाबा यहीं पर रह गए, एक नीम के पेड़ के नीचे वो रहते थे शुरू में, और उसके बाद में उन्होंने एक मस्जिद में आश्रय लिया जो मैंने आपको बाहर से बताई, द्वारका माई। साईं बाबा ने उस मस्जिद का नाम द्वारका माई रखा था, और फिर द्वारका माई में ही साईं बाबा रहे, और उसके बाद में उन्होंने 1918 में अपने देह का त्याग किया था। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सामने यहाँ पर पास में करीब 300 मीटर की दूरी पर खंडोबा मंदिर है, जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है, और जहाँ पर साईं बाबा को मालसापति ने आओ साई कहकर बुलाया था, और उनके बाद उनका नाम साईं बाबा पड़ गया था। तो ये है खंडोबा मंदिर, अभी यहाँ पर आरती चल रही है। साईं बाबा शिरडी सर्वप्रथम जमाए, बाबा को जो नाम मिला आओ साईं, वो ये फोटो। साईं बाबा दादा कोते महासपति तीनों पैरों में पैर लगा के सो जाने के, मध्य रात्र होते बाबा दोनों को उठा देने के, तो ये लोग कहने के बाबा हम लोग दिन भर भक्तों की सेवा करते थक जाते, हमें सोने दो। तो बाबा कहने के देखो ये जो शरीर भगवान ने जो हमको दिया है सोने के लिए, काम करते वक्त, खाना खाते वक्त, किसी से बात करते वक्त, हमेशा परमेश्वर का नाम स्मरण करो, ये वो फोटो है। ये जो फोटो है बाबा के साथ रहते महल सपति को परम ज्ञान प्राप्त हो चुका था। एक बार किसी काम से दूसरे गांव जा रहे थे, तो झाड़ पे दो चिड़िया बैठी थी, वो बातें करने लगी, ये जो गांव में उत्सव है, खाना है, इसमें पॉइजन नहीं, अगर ये लोग ये खाना खाते हैं तो मर जाएगी। ये बात सुनते ही महल सपति दौड़ के बाबा के पास गई, बाबा को बताया मैंने ऐसा सुना। बाबा बोले जाओ उनका जान बचाओ, दौड़ के आए, ये खाना रोक दिया, इनकी जान बच गई। गुरुवार के दिन बाबा को लेके नाचते गाते गाँव में घुमा लेंगे। अभी बाबा की पालकी निकलती, खंडोबा का उत्सव अग्नि में से चलने का महासभापति ने एक सामने इसी जगह पे शुरू किया। अभी इनकी परंपरा इनके परपोते अग्नि में से चलते। खंडोबा का जो मेन मंदिर है पूना से 40 किलोमीटर, हर साल महासभापति ये पालकी लेके जाने की, रास्ते में चोर लोग आया लूटने के लिए, वैसे महासभापति ने हल्दी लिया जय खंडोबा बोल के उनका ऊपर डाल दिया, उनका बदन जलने लगा, चोर लोग भाग गए। ये जो फोटो है 15 अक्टूबर 1918, उस वक्त बाबा अपना शरीर छोड़ के चले गए।
गरीब अमीर सबको बाबा साहब बिठाने के, सुख दुख सुनाने के, उनके दुख दूर करने के। महान सा पति के गोद में बैठ तीन दिन अपना शरीर को रखा, तीन दिन बाबा ऊपर चले गए, कहा कि देखो ये मेरे, मैं बीमार हूँ, मेरे शरीर की रक्षा करो, मैं तीन दिन ब्रह्मांड में आत्मा लेके जा रहा हूँ, आप मेरे शरीर की रक्षा करो। तीन दिन तक महाजापति ने इन्हें संभाला, तीसरे दिन बाबा वापस आए। एक भक्त ने बाबा को बलि दिया सोने के लिए, बाबा कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते किसी को पता नहीं, जब ज्यादा लोग आने लगे तो बाबा ने बलि को तोड़ डाला। और ये जो फोटो है आखिरी फोटो, बाबा ने कहा ये मेरे गुरु का स्थान है, जब भी आप लोग शिरडी आओगे धूप दीप जाया आप सभी लोगों का कल्याण होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। साई राम साई राम। मंदिर में जब हम एंट्री करते हैं तो यहीं पर एक काफ़ी पुराना पेड़ है बरगद का, देखो आप, और बताते हैं कि यह पेड़ साईं बाबा के ज़माने का है, काफ़ी पुराना और प्राचीन पेड़ है ये, और छोटा सा एक मंदिर भी है यहाँ पर। तो खंडोबा मंदिर में हमने दर्शन कर लिए, अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं प्रसाद ग्रहण करने। यहाँ पर साई प्रसादम करके बड़ा सा एक भोजनालय बना हुआ है जो कि साई ट्रस्ट ही चलाता है और काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर चल के कुछ भोजन पानी करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो साई प्रसादम के लिए मैं ऑटो कर रहा हूँ। तो ये है साई प्रसादम, आप देखो काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है और ये मेन गेट है, तो अंदर चलते हैं। तो मैं अंदर आ गया हूँ और साईं बाबा की मूर्ति है, देखो आप खाना बना रहे हैं। तो यहाँ से हमें कूपन लेना होगा और उसके बाद हम अंदर भोजन के लिए चलेंगे। तो मैंने प्रसाद का कूपन ले लिया है, 50 रुपये इसका शुल्क लगा है, ये VIP प्रसाद का है और बाकी मुफ्त वाला भी है, फ्री वाला भी, ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, लेकिन इसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा और बैठने की थोड़ी सुविधा अच्छी है, तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया है। चलते हैं प्रसाद लेते हैं। तो VIP के लिए हमें ऊपर जाना होगा, सिंपल वाला नीचे है। नीचे 4 से 5 हज़ार लोग एक साथ में भोजन करते हैं नॉर्मल वाले में। तो हम भोजन कक्ष में पहुंच गए हैं, काफ़ी बड़ा हॉल है देखो आप। तो अपना प्रसाद आ गया है, ये रोटी है, पापड़ है और ये सीरा है सूजी का, ये मटकी की सब्जी है, ये लौकी की सब्जी है, सांभर है, चावल है, साथ में दही है, बाकी ये चटनी वगैरह है साथ में। तो काफ़ी भूख लग रही है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। घर के जैसा खाना है, बिल्कुल सिंपल, बढ़िया है। तो बहुत सही भोजन है, अगर आप शिरडी आते हो तो यहीं पर आकर भोजन लेना, प्रसाद लेना, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर और बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सफाई काफ़ी अच्छी है और भोजन भी बिल्कुल बढ़िया है, सात्विक खाना है। तो अच्छे से प्रसाद ले लिया, काफ़ी अच्छा था प्रसाद और काफ़ी सिंपल भोजन था। और अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक विलेज पार्क बना हुआ है साईं बाबा का, और वहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है साईं बाबा की, जो लाइव थी उनके बारे में वहाँ पर बताया गया है, मूर्ति और उनके द्वारा, तो एक पुराना विलेज टाइप का डेवलप किया हुआ है। तो मैं वहाँ जा रहा था लेकिन अभी लगभग 2:30 बज चुके हैं, तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे करीब करीब 3:30-4 बज जाएंगे वहाँ से कंप्लीट करने में। तो उसके बाद में फिर मुझे यहाँ से आगे एक जगह और जाना था जो कि करीब यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, 78 या 80 किलोमीटर है, और उस जगह को शनि सिग्नापुर कहते हैं, शनिदेव भगवान का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है शनि सिग्नापुर, वहाँ पर जाना था। तो इसीलिए अभी मैं विलेज पार्क में नहीं जा रहा हूँ, पहले हम शनि सिग्नापुर चलेंगे और वहाँ से जब हम वापस आएंगे रिटर्न, उसके बाद अगर समय मिला तो हम इस थीम विलेज को कवर करेंगे। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं शनि सिग्नापुर के लिए, शनिदेव का मंदिर देखते हैं। शिरडी से अगर शनि सिग्नापुर जाना है तो इस तरह की टेम्पो ट्रेवलर चलती है और ये पैसेंजर में ले जाते हैं हमें और 200 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं, और अगर हमें पर्सनल जाना है तो हमें यहाँ से कैब मिल जाती है, हमें कार वगैरह मिल जाती है यहाँ से टैक्सी, और उसका करीब 2000 से 2500 के आसपास चार्ज रहता है, और ऑटो से भी हम जा सकते हैं, वो भी 2000 के आसपास लेते हैं, तो ये बेटर ऑप्शन है, इसमें चलते हैं। आयशाबाश।
तो मैं सनी सिंगनापुर पहुंच गया हूं और शिरडी से यहां आने में 2 घंटे का समय लगा। अभी लगभग 4 बज गए हैं और मंदिर सामने ही है। यहां पर भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। इस तरफ में ये सारे बसें वगैरह खड़ी रहती है, स्टैंड है ये, और बाकी ये सारे रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह है। यहाँ पर भक्त आते हैं, वो शनि भगवान को चढ़ाने के लिए तेल और ये सब लेके जाते हैं, घोड़े की नाल और सब मिलती है यहाँ पर। तो मंदिर इस तरफ है और हमें इस तरफ से जाना, नीचे होके अंडरग्राउंड में होके। तो ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से हमें अंदर जाना है। और ये पार्किंग है मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने, और 20 रुपये 4-व्हीलर का पार्किंग का चार्ज है यहाँ पर। तो ये यहाँ से हमें मंदिर की तरफ जाना है नीचे होके। तो मंदिर के अंदर भी ये तेल बिक्री का कक्ष है, हम अंदर से यहाँ से तेल ले सकते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, तुकाराम जी है, और ये गेट बना हुआ है सुंदर सा। यहाँ से हम आए हैं नीचे से, और यहाँ पर ये तेल बिक्री का केंद्र है मैंने आपको बताया, और इस तरफ से ये मेन गेट से हमें अंदर जाना है भगवान के दर्शन करने के लिए। और ये भी गेट काफ़ी ऊंचा बनाया हुआ है। जो हम प्रसाद लाते हैं वो हमें यहीं रखना होता है। हम उस तरफ से आए हैं और यहाँ पर शनि भगवान की मूर्ति है सामने, और यहाँ से दर्शन की लाइन है। तो ये है शनि भगवान का मंदिर, खुले आकाश के नीचे शनि भगवान की मूर्ति है, और यहाँ पर भक्त तेल चढ़ा रहे हैं, देखो आप। तो शनि भगवान के हमने दर्शन किए, और यहाँ की जो कहानी है वो यहाँ के जो पंडित जी है उनसे जानते हैं। श्री क्षेत्र शनि सिंगनापुर भारतवर्ष में सबसे मानता है इसकी, यह स्वयंभू प्रकट हुई है। यहाँ पानसनाला नदी है, नदी में बारिश के दिन बाढ़ आई थी, बाढ़ में शिला बह के आई, जहाँ ये मूर्ति मिली वहाँ बाकी के लोगों ने उठाने का प्रयत्न किया था, जगह से हिले नहीं थी। सगा मामा भांजा और काले रंग की बैल जोड़ी करत बनाई के यह मूर्ति लाई थी। मूर्ति रखने से ही नीचे गई, बाजू से चबूतरा बनाया, भगवान को छत नहीं, भगवान खुले में सब कष्ट निवारण के लिए, धूप हो चाव हो बारिश हो सब ऋतु झेल के भक्त के कष्ट निवारण के लिए शनि भगवान स्वयं प्रकट हुए। शनि भगवान के पूरे भारतवर्ष में इनकी मानता है। यहाँ सब भक्तगण अपने पीड़ा मनोकामना के लिए आते हैं, जो भी भक्त अच्छे सच्चे मनोकामना से मांगता है वो सब मनोकामना पूर्ति होती है, ऐसा है श्री क्षेत्र शनि सिंगनापुर। तो हम यहाँ से आए थे, फिर इस तरफ हम मंदिर के लिए दर्शन के लिए गए, और इस तरफ सामने भी ये अभी नया इन्होंने स्तंभ बनाया, देखो आप, काफ़ी ऊँचा स्तंभ है ये, और नीचे यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर भी अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ बनी हुई है, देखो आप, काफ़ी सारी मूर्तियाँ है, अंत तक है। तो शनि सिंगनापुर मंदिर के हमने दर्शन किए और यहाँ की जो कथा है वो भी जानी, काफ़ी चमत्कारी और अद्भुत मंदिर है ये। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी घर है इस गांव में सिंगनापुर में, वहाँ पर ताला नहीं लगता है, तो क्योंकि यहाँ पर शनिदेव का वास है और शनिदेव न्याय के देवता है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी अन्याय नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं इस गांव में वो घर पर ताला कुंडी नहीं लगाते हैं, तो ये काफ़ी चमत्कारी चीज़ है। आज भी यहाँ पर मैंने देखा ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ हो तो। अरे भैया, वो ताला कुंडी वाला दुकान पे भी अलाउ करता है इधर, क्या दुकान पे भी नहीं लगाते? ये अपना जो शनि सिंगनापुर गांव है, शनि सिंगनापुर गांव का जो मूर्ति है शनि भगवान जी का, वो स्वयंभू है, वो भगवान जी पूरे गांव का रक्षा करते हैं इधर, इसीलिए कौन से भी घर को डोर सिस्टम नहीं इधर। अच्छा, तो कभी चोरी वगैरह अभी तक हुआ नहीं तो क्या बताएंगे आप? अभी तक कभी नहीं हुआ, अभी तक हुआ ही नहीं भगवान जी। तो अगर आप कहीं बाहर जाते हैं 4 दिन के लिए तो भी कभी जाए कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारी दुकान तो स्लाइडिंग गेट है, बाकी दुकान को तो वो भी नहीं है, स्लाइडिंग का गेट है, लॉक नहीं उसको, खाली कुत्ता भी अंदर जाके गंदगी ना करे दुकान में, इसके वजह से, हाँ, जानवर के वजह से, दूसरा बारिश का पानी आता है उसके। धन्यवाद, जय शनि। तो यहाँ पर सभी दुकानों में इसी तरह से स्लाइडिंग होती है, कहीं पर भी ताले नहीं होते, और घरों में भी लोग ताले नहीं लगाते हैं, कहीं भी बाहर जाए भले 2 दिन 4 दिन 10 दिन।
घर और दुकान तक तो ठीक था, लेकिन ये यूको बैंक है और कहते हैं कि यहाँ पर भी लॉक का सिस्टम नहीं है, यहाँ पर भी ताला चाबी नहीं है। ये बात कितना सच है कि बैंक में भी ताला नहीं लगता है यहाँ पर? सच है? अच्छा, बैंक में ऐसे ही खाली स्लाइड करके जाते हैं? अच्छा, तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे मैंने कंफर्म किया, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ताला का सिस्टम ही नहीं है, बैंक में भी ताला नहीं लगता है। बैंक पर भी ताला नहीं लगता है, ये बात मुझे थोड़ी अचरज में डालती है, लेकिन सनी देव का चमत्कार है ये। यहाँ पर खौफ खाते हैं चोर डाकू सनी देव के इस जगह में आने में, इस क्षेत्र में आने में। सनी देव न्याय के देवता हैं, तो इसलिए सभी अपराधी डरते हैं यहाँ पर आके अपराध करने से। यही वजह है कि यहाँ पर कहीं पर भी ताले का सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। तो मैं शिरडी पहुँच गया हूँ और शाम के 6 बज गए हैं। अभी हमारे पास करीब 20-25 मिनट का समय है, तो अभी मैं आ गया हूँ साई हेरिटेज विलेज पर। इसका नाम साई हेरिटेज विलेज है और वैसे इसे पुराना शिरडी भी कहते हैं। तो एक आर्टिफिशियल पूरा गांव बनाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर साई बाबा के जीवनी बताई हुई है, उनके समय में कैसे होता था, कैसे रहते थे, गांव के घर कैसे थे, वो सब कुछ बताया हुआ है। तो 150 रुपीज़ का पर पर्सन का चार्ज है, जिसमें बाबा की ओल्ड सीढ़ी हमें देखने को मिलती है, मैजिक शो देखने को मिलता है, एडवेंचर गेम बच्चों के लिए फ्री है, बाकी ये एक्स्ट्रा है, ट्रेन राइड वगैरह रोप वे ये सब का अलग से चार्ज है। तो चलते हैं अंदर, यहाँ से मैंने टिकट ले लिया है टिकट काउंटर से। तो ये है ओल्ड सीढ़ी विलेज, तो इस तरह से ये विलेज बना हुआ है। देखो आप, पहले के समय में जिस तरह से होता था वो यहाँ पर बताया हुआ है। पुरानी सीढ़ी ऐसे दिखती थी, एकदम से ऐसा लगता है जैसे हम उस ज़माने में चले गए देखकर। काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है। तो इस तरफ में ये हेरिटेज विलेज हमने देखा, और इस तरफ में यहाँ पर आगे मैजिक शो होता है, बाकी यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है। देखो आप, ट्रॉली भी है यहाँ पर, और उसके अलावा उस तरफ में भी बच्चों के काफ़ी सारे गेम्स वगैरह हैं। तो अभी 6:15 बज गए हैं और करीब 10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ है देखने के लिए, मैजिक शो हम देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ गेम्स वगैरह हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन समय नहीं है, अंधेरा हो जाएगा, इसीलिए मुझे इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। अगर आप शिरडी आना चाहते हो तो शिरडी में रेलवे स्टेशन है, आप डायरेक्ट आ सकते हो ट्रेन से, और अगर आपके वहाँ से शिरडी की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप नज़दीक में नासिक आ सकते हो, या फिर कल्याण मुंबई से शिरडी आ सकते हो। नासिक से रोज़ सुबह शाम यहाँ पर कंटिन्यू बसें चलती है शिरडी के लिए, तो आप सुबह नासिक से शिरडी आकर फिर शाम को नासिक पहुँच सकते हो। बाकी शिरडी में एनी टाइम आपको रश देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे भक्त आते हैं यहाँ दूर दूर से, करीब करीब 25,000 के आसपास डेली यहाँ पर भक्त आते हैं शिरडी में, और जब सीजन का समय होता है तो यही 1,00,000 से 1.25 लाख के आसपास भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। तो शिरडी में हमेशा भक्त रहते हैं, बाबा का धाम ही ऐसा है ये। तो काफ़ी अच्छा लगा आज शिरडी को एक्सप्लोर करके, और इससे पहले कि पूरी तरह से अंधेरा हो, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार, आप जो